वजीर साहब ने कहा है, मैं जवाब पढ़ा हुआ तसव्वुर करता हूँ। बलूचिस्तान ने कोई 82,01,000 दिए हैं, फिर 21 अक्टूबर 2017 में कोई 5,18,00,000 रुपए रैली की मद में दिए गए हैं। तो अगर 6 साल की तफसीलात दी जाती तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी रकम है, कुछ और रकम भी इसमें शामिल है। मेरे सिर्फ इधर एक तजवीज़ है छोटी सी, मैं वज़ीर मौसूफ साहब को या इस कार रैलियों के इनकार पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। बलोचिस्तान को स्पोर्ट्स की ज़रूरत है, कल्चर की ज़रूरत है, फुटबॉल के बड़े बड़े टूर्नामेंट्स की ज़रूरत है, क्रिकेट की ज़रूरत है, लेकिन क्या कोई इस तरह का मैकेनिज़म बनाया जा सकता है कि जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कल्चर जो पैसे जाते हैं स्पोर्ट्स की मद में, वो बलोचिस्तान के स्पोर्ट्स की तरजियात और ज़रूरत को मद्देनज़र रख के किए जाएँ। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा फुटबॉल खेला जाता है, फिर उसके बाद क्रिकेट खेला जाता है, फिर उसके बाद जो है और हमारे छोटे इलाकाई खेल हैं इलाकों में, और कार रैली जो है वो तकरीबन आखिर में आता है उनके साथ जिनके पास कारें हों। तो बलूचिस्तान में तो सड़कें ही नहीं हैं, कारें ही नहीं, हम रोज़ रैलियाँ होती हैं हमारी। मैं खरान जब रोज़ हफ्ते में एक दफ़ा फातह खानी के लिए जाता हूँ, ऐसे समझो रैली पर ही जा रहा हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में आप जिस तरफ जाएँ सड़कें इतनी टूटी पोटी हैं कि आपको किसी रैली की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस में भी बैठे हैं, आपकी रैली हो रही है। तो असल में मेरे ये है कि आप कोई कमेटी बनाएं या कोई इस तरह की कोई तजवीज़ दें कि जो बलूचिस्तान के ये खेल और सकाफत के पैसे हैं, ये बलूचिस्तान के खेल और सकाफत के जो भी ज़रूरियात हैं उनके लिए खर्च हों और कोई तरजियात इनकी मुकर्रर की जाए। ऐसे ना हो कि कोई आए जो है आप कार रैली पे, कल किसी और रैली पे जो है बलूचिस्तान के ये स्पोर्ट्स के पैसे नौजवानों के खर्च हों। शुक्रिया। जैसे मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से काइंडली, मैं मेरी बदकिस्मती है, पता नहीं है, मालूम नहीं है, सेठी साहब भी बैठा हुआ है मुझे, मैं डिटेल ब्रीफ लूँगा इस हवाले से, फिर या फिर डिटेल में दूँगा जवाब नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह, नेक्स्ट उसमें आपको इंशाल्लाह डिटेल में जवाब मिलेगा। आप तशरीफ़ मैं कह नहीं सकता हूँ इस फ्लोर पे, मैं कह नहीं सकता हूँ।